हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज किशोर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक एनालिसिस के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में IOC की होल्डिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर इंट्राडे या ऑप्शन प्ले करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वीडियो में आप बने रहें। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर क्विक नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम यानी कि एक कैंडल यहाँ पे एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। तो 8 नवंबर को 141.50 रुपए का हाई मार्क करने के बाद से स्टॉक प्राइस में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। हालांकि 18 अक्टूबर भी स्टॉक ने यहाँ पे 144 का हाई मार्क किया था, यहाँ से भी स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली थी। 125 के आसपास में यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से स्टॉक प्राइस में यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन अगर आप 8 नवंबर से देखें तो 141 का हाई मार्क करने के बाद से स्टॉक प्राइस में यहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिली है। एक के बाद एक सपोर्टेबल यहाँ पे ब्रेकडाउन हुए हैं। सबसे पहले 125 का सपोर्टेबल यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। हालांकि 125 के सपोर्ट को यहाँ पे रिस्पेक्ट करने के लिए जरूर कोशिश की गई, यहाँ पे रिट्रेस भी हल्का फुल्का यहाँ पे स्टॉक हुआ, लेकिन मार्केट में सेलिंग के प्रेशर के चलते स्टॉक इन स्तरों पे यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया। जल्दी से 125 का सपोर्टेबल यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। 117 के सपोर्ट लेवल को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करने की कोशिश की गई। 3-4 ट्रेडिंग डेज अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता भी नजर आया, लेकिन आखिरकार 117 का सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और इन स्तरों से स्टॉक प्राइस में यहाँ पे तेज गिरावट देखने को मिली। हालांकि स्टॉक अपने 108 के सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इन स्तरों पे स्टॉक का 200 डेज के मूविंग एवरेज का लेवल भी कैलकुलेट होकर निकलता है। तो ओवरऑल अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो स्टॉक यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। हायर लो और लोअर लो की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अभी स्टॉक अपने सपोर्ट एरिया 108 से यहाँ पे रिटेस होता है, यहाँ पे नजर आता है। दोस्तों, बात करते हैं आगे किस तरीके की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नजर आते हैं IOC के स्टॉक प्राइस में। तो नो डाउट की स्टॉक यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन स्टॉक अपने अभी 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास में यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। अगर पिछले 7-8 ट्रेडिंग डेज से अगर आप देखें तो स्टॉक यहाँ पे 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अब यहाँ से स्टॉक प्राइस में तेजी बनती हुई आपको नजर आ सकती है। तो अगर स्टॉक प्राइस में यहाँ से तेजी बनती है तो सबसे पहले टारगेट जो होगा 117 के आसपास का टारगेट होगा, ये स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल भी होगा। अगर मार्केट में तेजी बनती है, स्टॉक 117 के ऊपर में निकल पाता है, 117 के ऊपर में यहाँ पे सस्टेन कर पाता है, तो फिर 125 और 141 के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट में सेलिंग का प्रेशर जारी रहता है, स्टॉक 108 से नीचे उतरता है, इस लाइन से भी अगर नीचे उतरता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 102 के आसपास में स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। तो अगर हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें सपोर्ट की, तो 108 के आसपास में यहाँ पे अभी इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर हम देख सकते हैं। और अगर मार्केट में गिरावट और भी तेज होती है, स्टॉक 108 से नीचे निकलता है, तो फिर स्टॉक यहाँ पे 102 तक भी फिसल सकता है। हालांकि इन स्तरों से आपको तेज बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है, शार्प रिकवरी भी इन स्तरों से आपको देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो अब भी इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पर हम 117 का लेवल देख सकते हैं। 117 के आसपास में स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आपको नजर आ सकता है। ये लेवल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा 125 का होगा। ये लेवल भी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर 136, 141, 50 यहाँ पे स्टॉक के नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं IOC में, या फिर आपके पास में होल्डिंग है, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IOC में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म में इंट्राडे की। तो डिपेंड करेगा कि मार्केट कल कहां पे किस तरीके से यहां पे ओपन होता है। तो यहां पे तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो स्टॉक यहां पे फ्लैट या फ्लैट के आसपास में ओपन होगा, या फिर गैप डाउन ओपन होगा, या फिर गैप अप ओपन होगा। बात करते हैं पहले सिनेरियो की। अगर स्टॉक यहां पे फ्लैट या फ्लैट के आसपास में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में यहां पे अपसाइड की तरफ मूव करता है, यानी कि 114 से ऊपर निकलता है, तो यहां पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। 1 से 1.5 रुपए का यहां पे प्लस होना चाहिए, 1:2 यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। और अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद में स्टॉक नीचे की तरफ उतरता है, 110 से नीचे यहाँ पे ट्रेड करता है, तो यहाँ पे भी सेल का ट्रेड लिया जा सकता है। 1 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। अगर स्टॉक यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, 113-114 के आसपास में यहाँ पे ओपन होता है, तो हम इसको इसके रेजिस्टेंस एरिया में जाने का वेट करेंगे। 115-116 के आसपास में अगर स्टॉक जाता है तो यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया जा सकता है। 1 रुपए का यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 यहाँ पे भी टारगेट होना चाहिए। बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की। अगर स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम इसके सपोर्ट एरिया में जाने का वेट करेंगे। 108 के आसपास में अगर स्टॉक आता है तो हम यहाँ पे बाय का ट्रेड ले सकते हैं। 1 से 1.5 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपके पास IOC की होल्डिंग है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। काफी अच्छा डिविडेंड ऑफर करती है कंपनी आपको, और स्टॉक अभी अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास में भी आ चुका है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर गेल इंडिया को देखते हैं तो इन स्तरों पे आप अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अभी अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास में स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अच्छा डिविडेंड भी ऑफर करती है, तो अगर आप PSE सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहाँ पे आपके पास में बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इन स्तरों पे आप अच्छी खासी खरीदारी कर सकते हैं, रिस्क यहाँ पे आपका काफी कम होने की संभावना यहाँ पे नजर आती है। 100 डेज के मूविंग एवरेज के लेवल की बात करें तो 111 के आसपास में यहाँ पे कैलकुलेट होकर आता है। 100 डेज के मूविंग एवरेज की बात
करें तो 120 का लेवल और 50 डेज के मूविंग एवरेज के लेवल की बात करें तो 124 का लेवल यहाँ पे कैलकुलेट होकर आता है। तो हाल फिलहाल अभी देखें आप तो स्टॉक अपने तीनों बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज से अभी यहाँ पे लगभग नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई का लेवल यहाँ पे 36 के आसपास में कैलकुलेट होकर आता है। स्टॉक यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन की तरफ नजर आता है। विलियम परसेंटेज में भी लगभग यही कंडीशन नजर आती है, -73 यहाँ पे लेवल कैलकुलेट होकर आता है। तो इंडिकेटर्स को अगर हम देखते हैं तो ओवरसोल्ड जोन एरिया की तरफ यहाँ पे स्टॉक जरूर नजर आता है। ओवरऑल अगर हम इंडिकेटर्स को देखें और मूविंग एवरेजेस को देखें तो स्टॉक प्राइस भी यहाँ पे वीकनेस जरूर नजर आती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं। इससे पहले इसकी रिटर्न हिस्ट्री, एनालिस्ट रेटिंग और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हैं। तो टिकट डेट आउट में यहाँ पे 32 एनालिस्ट स्टॉक को कवर कर रहे हैं और 78% एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक को बाय किया जा सकता है, यानी कि मेजॉरिटी एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक को बाय किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के पैरामीटर भी देखते हैं तो 5 में से 5 के पैरामीटर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देते हैं। इंटेंसिक वैल्यू की बात करें तो जो भी प्राइस चल रहा है वो कंपनी के इंटेंसिक वैल्यू से यहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। रिटर्न वर्सेज एफडी रेट की बात करें तो स्टॉक एफडी से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में सक्षम है। डिविडेंड रिटर्न का सिग्नल यहाँ पे ग्रीन है, अच्छा डिविडेंड ऑफर करती है कंपनी। एंट्री पॉइंट का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है और नो रेड फ्लैग का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है। ओवरऑल अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें और एनालिस्ट रेटिंग के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे स्टॉक काफी अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी की रिटर्न हिस्ट्री को देखें, बात करें मैक्सिमम टाइम की, यानी कि जनवरी सन 2000 से देखें तो स्टॉक यहाँ पे 394.53% के रिटर्न जनरेट करने में कामयाब रहा है। पिछले अगर हम 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे, -30.46% के यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 23.14% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6.02% के नेगेटिव रिटर्न है। पिछले अगर वीक की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2.41% के पॉजिटिव रिटर्न है। और लास्ट ट्रेडिंग डेज की बात करें, यानी कि आज की बात करें, तो स्टॉक यहाँ पे 0.71% की गिरावट के साथ में 111.50 रुपए के ऊपर में यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें रिटर्न हिस्ट्री का, तो यहाँ पे कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आती है। लेकिन अगर लंबे समय में देखें और डिविडेंड के हिसाब से देखें तो स्टॉक यहाँ पे अच्छा नजर आता है। आगे बढ़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली इसके रिजल्ट को देखते हैं। जून क्वार्टर और सेप्टेम्बर क्वार्टर के रिजल्ट को अगर हम देखें, बात करें जून क्वार्टर की, तो जून क्वार्टर में कंपनी ने 155,056.27 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 5,941.37 करोड़ का कंपनी को यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है। सेप्टेम्बर क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे 169,770.77 करोड़ का यहाँ पे जनरेट किया गया, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ 6,360.05 करोड़ का। तो जून क्वार्टर को अगर हम सेप्टेम्बर क्वार्टर से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में भी और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे हमें बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो रिजल्ट यहाँ पे काफी बेहतर नजर आते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, बात करें पिछले 5 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड का, तो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें पिछले 5 सालों की, बात करते हैं रेवेन्यू की, तो 2017 में कंपनी ने 355,379 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया। 2018 की बात करें तो 4,21,991 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया गया। 2019 में देखें तो रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है, 5,28,157 करोड़ तक यहाँ पे रेवेन्यू पहुंच चुका था। 2020 और 2021 में देखें तो रेवेन्यू यहाँ पे जरूर कम हुआ है। 2020 में रेवेन्यू यहाँ पे 4,83,763 करोड़ के आसपास में और 2021 में 3,63,949 करोड़ के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू हुआ है। तो पिछले 2 सालों से देखें तो रेवेन्यू का ग्राफ यहाँ पे हमें घटते हुए क्रम में जरूर नजर आता है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, 2017 में कंपनी को 19,745 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, 2018 में 21,715 करोड़ का, 2019 में 15,879 करोड़ का और 2020 में कंपनी को 3,242 करोड़ के यहाँ पे लॉसेज हुए हैं, नेट नुकसान हुआ है। लेकिन 2021 की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 20,565 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो नेट प्रॉफिट का ग्राफ अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट यहाँ पे नजर नहीं आता है। 2020 में देखें तो कंपनी को यहाँ पे लगभग 3,242 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हुआ है। कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट को देखें, बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, तो मार्च 2017 में कंपनी के पास में 97,356 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था, जो कि मार्च 2021 में बढ़ के 1,02,657 करोड़ का हो गया है। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के यहाँ पे बढ़ते हुए फॉर्म में जरूर नजर आता है। अभी नजर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं। बात करते हैं सितंबर 2020 की, तो प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट के पास में यहाँ पे 51.5% की होल्डिंग थी, जो कि सितंबर 2021 में भी 51.5% की बनी हुई है, यानी कि फ्लैट पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है प्रमोटर की होल्डिंग की। एफआईएस की होल्डिंग की अगर बात करें तो सितंबर 2020 में एफआईएस के पास यहाँ पे 6.07% की होल्डिंग थी, जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर 7.21% हो गई है, यानी कि एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। डीआईएस की होल्डिंग की बात करें तो सितंबर 2020 में डीआईएस के पास में 13.48% की होल्डिंग थी, जो कि सितंबर 2021 में 4.68% हो गई है, यानी कि डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे भारी मात्रा में डिक्रीज किया है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो सितंबर 2020 में पब्लिक के पास में यहाँ पे 28.94% की होल्डिंग थी, जो कि सितंबर 2021 में बढ़कर 36.6% हो गई है। तो डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया और पब्लिक ने इस होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ खास बड़े बदलाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं, काफी बैलेंस पैटर्न यहाँ पे नजर आता है। डीआईएस ने अपनी भारी मात्रा में होल्डिंग को रिड्यूस किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। लास्ट ट्रेडिंग डेज में स्टॉक में हुए कारोबार की कंडीशन को देखें, यानी कि 29 दिसंबर 2021 को कारोबार की स्थिति को देखें, तो टोटल शेयर यहाँ पे 3,37,131
टोटल शेयर यहाँ पे ट्रेड हुए हैं, जिसमें से कि 170,379 शेयर की डिलीवरी उठाई गई है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 34.82% की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है, जो कि एवरेज डिलीवरी उठाई हुई यहाँ पे नजर आती है। तो दोस्तों ये थी कुछ डिटेल IOC के बारे में। उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप फ्री डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक से अकाउंट ओपन करके आप हमारे सपोर्ट ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लाइव मार्केट में भी आपको अपडेट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।